सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको पता ही होगा कि इस टाइम पर जॉब नहीं है कनाडा के अंदर, तो सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है जिसके अंदर कोई बॉस भी ना हो अपना, वो है उबर ईट्स। तो भाई गाड़ी अपने पास है पुरानी, डिलीवरीज अपने कर सकते हैं, तो इसलिए भाई चलते हैं आज उबर डिलीवरीज करने और आपको भी दिखाते हैं कि भाई कितने पैसे बन जाते हैं। और भाई साथ में आज मैं कजन को लेके जा रहा हूँ, सिस्टर को, क्योंकि इसने अपना ड्राइवर लाइसेंस फाइनली पास कर लिया है। तो भाई कांग्रेचुलेशन उस चीज के लिए। तो भाई अब चलते हैं, एक बार बाकी बातें रास्ते में करते हैं। यू गोना ड्राइव? चलो चलो। सो भाई कैसा लग रहा है कनाडा के अंदर चला के कार? बहुत बढ़िया। ड्राइविंग का कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे? इंडिया तो सूखी है। कनाडा के अंदर पता ये सीन है, जो बंदे इंडिया से ज्यादा गाड़ी चला के आते हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी हार्ड रहती है नई ड्राइविंग सीखनी। पर इसने इंडिया के अंदर ज्यादा कार चलाई नहीं थी, तो यहाँ पे आके बस रूल सीख लो, रूल्स के अकॉर्डिंग गाड़ी चला लो तो बड़ा इजी लगता है। तो भी वापस अपने बढ़ते हैं उबर ईट्स पे। ये मैंने ऐप ऑन कर ली। अब उबर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब मन करे ना तब आप बैठे बैठे ऑनलाइन आ जाओ। और अनेबल टू गो ऑनलाइन ये कह रहा है कि भाई फोटो, तो ये मेरी फोटो खींचेंगे ताकि इन्हें पता लग जाए कि कोई और तो नहीं गाड़ी चला रहा। अपना प्रूफ दे दिया कि भाई मैं ही हूँ, थैंक्स फॉर वेरीफाइंग, और अब ये हो जाएगा ऑनलाइन। सो अब भाई अपने वेट करते हैं ऑर्डर आने का। ओके, इतनी गेड़ी मारनी है कोई? मार लेते हैं इधर। स्टार्ट तो भी करी नहीं थी, पहले ही ऑर्डर आ गया। सो भाई 9 किलोमीटर का ऑर्डर है 24 मिनट का, क्या करना चाहिए? नॉट वर्थ इट। तो भी कार स्टार्ट ही करनी थी उससे पहले ही, देखो पहला ऑर्डर भी आ गया। तो अपने ना सबसे पहला पॉइंट यही बात करने वाले हैं कि उबर करने के ना बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपने देखा कि कोई भी शिफ्ट्स नहीं आपको स्केड्यूल करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दूसरी एप्लीकेशन है ना उसके अंदर आपको शिफ्ट्स पहले से ही डिसाइड करनी पड़ती है कि आपने कौन से दिन कौन से घंटे पे काम करना है। बट उबर के अंदर आपका जब मन करे ना, बेड से उठ के आए और मन कर रहा है कि भाई डिलीवरीज करके पैसे कमाने हैं, उस टाइम आओ सीधा ऑनलाइन हो जाओ और ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी चीज आपने देखा कि अभी तो हम घर के बाहर, बीच में फिर से काट दिया इसने, ये देखो एक और ऑर्डर आ गया 9 किलोमीटर का, ये तो उठा लेना $11 का। तो भी लगभग $11 कुछ का अपना ऑर्डर आ गया, तो इसको लेने चलते हैं। बट अपने वापस से बढ़ते हैं एक बार पॉइंट के ऊपर, जो मैं दूसरा पॉइंट बता रहा था। उबर करने का जो दूसरा बेनिफिट है ना सबसे बड़ा, कि आप अपनी मर्जी का ऑर्डर उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पहला जो ऑर्डर आया हमने नहीं उठाया, और आपके सामने बीच में दूसरा ऑर्डर आ गया मैंने उठा लिया। तो अपने पास ना हर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और कोई भी टेंशन नहीं होती भाई बॉस बैठा ऊपर देख रहा है काम कर रहे हो नहीं कर रहे। और अब देखो हम निकलते हैं, सबसे पहले तो अनु मैं इसको सामने लगा देता हूँ ना, चले करो स्टार्ट। क्या बात है, हैवी ड्राइवर हो या अच्छे ड्राइवर हो, या हैवी अच्छे होते हैं? हैवी भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं। उबर करने का अब अगला बेनिफिट और सुन लो। अब ये सामने आप देख रहे हो कितना हसीन वेदर है और कितनी हसीन रोड़े हैं। तो आप जब ये काम करते हो ना गाड़ी पे, तो आप घूमते फिरते बहुत रहते हो। एक तो आपको ब्यूटी देखने को मिल जाती है सारी कनाडा की, साथ में आपको रोड्स वगैरह भी याद आ जाती हैं, और जितने भी बेस्ट बेस्ट कैफेज होते हैं या फिर जितने भी बैठने की अच्छी अच्छी जगहें होती हैं जहाँ पे आप बाद में अपने फ्रेंड्स को लेके जा सकते हो, तो वो भी आपको सब पता लग जाती है। सो बिल्कुल पास से ही ऑर्डर उठाना था। देखो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ हमें घर से चले गए और 1 किलोमीटर पे 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। कोई नेगेटिव पॉइंट लगा यहाँ पे ड्राइविंग करने का कनाडा के अंदर? नहीं, अभी तक तो मजे आ रहे हैं पूरे। स्टार्टिंग ना तो इसलिए अच्छा लग ही रहा है ना। जैसे कि मैंने बताया इसने नया नया लाइसेंस लिया है, तो मैंने सोचा ये फ्री थी आज, इसकी छुट्टी थी, तो इसको साथ ही ले चलते हैं, गाड़ी चला लेगी, इसका मन भी करता है कार चलाने का, अभी सीख रही है क्योंकि नई नई है, और अपने मैं जल्दी से भाग भाग के डिलीवरीज वगैरह ले आऊंगा। ये देखो भाई सामने कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार। यंग स्ट्रीट पे है ना अपने। सो भाई टिम हॉर्टन्स अपने पहुंच गए, वो रहा सामने। तो जल्दी से जाके एक बार मैं ऑर्डर उठा लाता हूँ, उसके बाद आपको एक और एक्साइटिंग बेनिफिट बताता हूँ उबर ईट्स का। B87। थैंक यू। तो लो भी ऑर्डर पिक हो गया और कजन ने गाड़ी भी मोड़ ली, अब जल्दी से बैठते हैं चल के। एक मिनट आप फटेंगे आज। ओके। सो देखो जैसे ही आप ऑर्डर ले लेते हो ना, उसके बाद आपको कंफर्म पिकअप करना पड़ता है, कंप्लीट पिकअप। फोन वापस से लगा देता हूँ सामने। तो भाई अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के ऊपर, जो कि और भी शानदार है। तो आपको पता ही होगा कनाडा के अंदर ना मोबाइल प्लान्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, इंटरनेट डेटा जो है ना वो बहुत 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 महंगा है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन 14 प्रो लेते हो ना अपने प्लान के साथ, तो आईफोन 14 प्रो की जो किस्त आती है ना महीने की $60 की आती है। बट अगर आप उबर ईट्स करते हो ना, तो आप अप टू $35 पर मंथ आप प्लान पे बचा सकते हो रोजर्स के साथ, और यही ट्रिक मैंने यूज करी थी। तो बहुत सारे ऐसे काम है अगर आप वो कर रहे हो ना, तो आपको प्लान पे ऑफ मिल जाता है। इसी से मैं भी रोजर्स के अंदर 100 GB मंथली डाटा यूज कर रहा हूँ सिर्फ $65 पर मंथ में।
तो अब ये थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, यू टर्न लेना था पर ले लिया इसने और अपने वापस से उसी रोड पे आ गई जो मैं कह रहा था सुंदर लग रही थी। तो पता ही नहीं चला कब अपने लोकेशन पे भी पहुंच गए और सन देखो आप कितनी ऊपर है और टाइम लगभग 8 बजने वाले हैं फिर भी। तो अभी समर्स के अंदर जिन लोगों को नहीं पता कनाडा के अंदर जो सनसेट है ना वो 9 बजे के भी बाद होता है, सो आपको बेसिकली पूरा दिन मिल जाता है सारी एक्टिविटीज करने को। उबर ऑर्डर, थैंक यू। तो हमसे एक मिस्टेक होगी पता है, मैंने जब ऑर्डर उठाया था ना तब देखा नहीं होगा, पिकअप दो जगह से थी पास पास से, तो ये देखो वापस से अभी पिकअप करी है, अब आएगा, अब यहाँ पे छोड़ के आना है। सो ये दो ऑर्डर एक ही कस्टमर के है, सो लेट्स गो। तो ये चीज भी बड़ी सही होती है, अब एक ही कस्टमर को ना पास पास से दो जगह से ऑर्डर उठा के दे दिया, इसलिए जो टाइमिंग थी ना वो भी कम ही दिखा रहा था कि आपको ऑर्डर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब आपको ना उबर का एक लास्ट सबसे बड़ा बेनिफिट और बताता हूँ जो कि मैंने देखा बाकी एप्स में इतना नहीं मिलता। तो भाई उबर के अंदर ना हमें टिप्स बहुत बहुत अच्छी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अब दो ऑर्डर लेके कस्टमर के पास जा रहे हैं ना, चाहे पहले से उसने ऑर्डर के अंदर $2 या $1 टिप एड कर रखी होगी, बट जैसे ही मैं ऑर्डर लेके चला जाऊंगा ना उसके बाद वो एक्स्ट्रा टिप भी एड कर सकता है जो कि बाद में अपडेट हो जाती है। तो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी मेरे को मिली हैं और आज अपने जो डिलीवरीज कर रहे हैं ना उसके अंदर भी हमें अच्छी टिप्स मिलेंगी, पूरा फेथ है मुझे। और जितने भी टिप्स रहेंगे आज की वो भी अपने अभी वीडियो के एंड में शेयर करूंगा मैं आपसे। जल्दी से यूनिट ढूंढ के कौन सी, और बंदा बाहर ही खड़ा था और अब पीछे ले गया ऑर्डर पकड़ के कार के पास, तो बाहर ही खड़ा था ले गया। तो अब ये टेक फोटो की जगह अपने सीधा ही दिखा देते हैं कि डिलीवर्ड, कंप्लीट डिलीवरी, ये पैसे कमा लिए हमने तो भाई आज पैसा पैसा कर देंगे हम, देखना हुन्ना थोड़ा जा अगे ला लिया गड्डी ना। तो इसे आप मैनर्स कह लो जो भी है, जब तक अपने वेट कर रहे हैं ना दूसरे ऑर्डर का, तो तब तक अपने गाड़ी को अब उसके घर के बाहर ही थोड़ा ना खड़ी रखेंगे। सब होता क्या, जब भी आप डिलीवर कर देते हैं ना उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर का आप वेट करते हो, अब वेट आप उसके घर के आगे खड़े होकर थोड़ा ना करोगे, थोड़ा सा अपने आगे पीछे हो लेते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट ऑर्डर देखो इन्होंने दिया, हाँ जी मैडम 16 मिनट की ड्राइव है, 4 किलोमीटर करना है, $3 का नहीं ओके भाई। तो अभी नेक्स्ट ऑर्डर एक और आ गया 13 किलोमीटर का और $13 का है और दो डिलीवरीज करनी है इसके अंदर अपनों को, बताओ क्या करें। अपना तो ऑर्डर कोई चुरा के ले गया $13 वाला, अनदर ड्राइवर मैच टू दिस रिक्वेस्ट। तो भाई वीडियो बनाने के चक्कर में ना ये ऑर्डर रह गया, $13 बन जाने थे। तो चलो कोई नहीं, अभी ऑर्डर आएगा मैंने कजन को दे दिया, वो जल्दी से पिक कर लेगी। अपने बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, बात करते हैं उन बंदों के लिए अब जो उबर चलाना चाहते हैं बट उन्हें प्रोसेस का नहीं पता। तो भाई उबर साइन अप का प्रोसेस ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जिस टाइम आप कनाडा आते हो ना आपके पास स्टडी परमिट होता है, बस आपको स्टडी परमिट अपना अपलोड करना रहता है और साथ में अपनी जो पासपोर्ट है एक आईडी वो अपलोड कर दो और उसके बाद मेन जो होता है ना बैकग्राउंड चेक करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, उसको देख के घबराना नहीं है। कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, उसके अंदर आपका बैकग्राउंड चेक होता ही होता है। तो ऑनलाइन ही सारी चीजें हो जाती है, आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता। बट सिक्योरिटी चेक के अंदर ना कभी कभी लोग फंस जाते हैं, आपका ऑनलाइन अगर वेरीफाई हो ना पाए ना तो ट्राइटन की तरफ से आपके पास एक मेल आती है, आपके पास एक बारकोड आ जाता है, वो आप कनाडा पोस्ट जाके शॉपर्स ड्रग मार्ट में जाके स्कैन करवा के अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपनी वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तब तक आप डिलीवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीडियो के अंदर इन्होंने बोला था ना कि आपकी फोटो लो, फोटो खींचने के बाद इन्होंने मेरे को ऑनलाइन किया था। तो जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन हो पाएगा ऑर्डर्स के लिए। तो गाइस उबर का रेफरल प्रोग्राम भी है, जैसे मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, आगे आप भी अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज ही जाके आप साइन अप करके पैसे कमा सकते हो। और बढ़ते हैं अपने अंदर और पूछते हैं कजन से कि कोई ढंग का ऑर्डर आया या नहीं आया। ऑर्डर आया कोई? ओहो बच ही रहा है $3 का। नहीं भाई नहीं। तो एक चीज आपने जरूर नोटिस करी होगी कि ऑर्डर चाहे छोटे आ रहे हैं बट ऑर्डर रुक नहीं रहे एक मिनट भी। तो इसलिए मेरा एक सजेशन भी है, हम तो देखो गाड़ी पे कर रहे हैं, हमारा जो पेट है ना वो मगरमच्छ जितना हो चुका है, हमें ये छोटे ऑर्डर अच्छे नहीं लगते। बट अगर आप ई बाइक पे ऑर्डर कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल बैटरी वाली साइकिल पे या साइकिल पे कर रहे हो, तो भैया आपके बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। और मैंने बच्चों को ना $300 दिन के बनाते हुए देखा भी है। लो भी एक और ऑर्डर आ गया, $4 का है, 7.5 किलोमीटर करना। नहीं भाई देख रहे हो कितने भाव बढ़ रखे हैं, आती लक्ष्मी भी हमें अच्छी नहीं लग रही। तो भाई मेरा ये सजेशन है, एज अ स्टूडेंट आप जब यहाँ पे आते हो ना, आती कार अफोर्ड करना इजी नहीं होता, तो इसलिए बहुत से बच्चे बाइसिकल्स ले लेते हैं और ट्रेन में फिर टोरंटो डाउनटाउन जाना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे बढ़िया पैसे बना बना के आते हैं। तो अगर अपने आवरली रेट्स की बात करें कि एक घंटे के अंदर कितने पैसे बन जाते हैं, तो भाई आप सबको पता होगा कनाडा के अंदर ना $15 पर आवर मिनिमम वेज है। तो बस मैं इतनी बात ही बोलूंगा, उबर आप कर रहे हो ना तो मिनिमम वेज से तो ज्यादा पैसे कमा ही लेते हो आप। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके
बाद आपने देखा 15-15 मिनट की ड्राइव वाले और ऑर्डर्स भी कितने आ गए थे। सो ऑलमोस्ट $20 से ऊपर हमारी एवरेज निकल ही जानी है। सो मेरा जितना एक्सपीरियंस था ना, मेरे को अब 3-4 महीने हो गए, मैंने पहले बोर्ड डिलीवरीज करी है अपने स्टूडेंट टाइम के अंदर। सो लगभग मेरे $17 से लेके $23 तक की एवरेज आ जाती थी घंटे की, जो की बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर अपने बात करें, इससे ज्यादा भी पैसे आपने सुना होगा लोग कमा लेते हैं, वहाँ पे भी टिप्स का गेम आ जाता है सारा, कि आपको टिप्स कितनी मिली है। सो पहले मैं ऊबर नहीं करता था, दूसरी ऐप से डिलीवरीज करता था, उसके अंदर मेरी एवरेज ना $20-22 से ऊपर जा ही नहीं पाती थी। बट फिर भाई मैंने ऊबर करनी स्टार्ट करी और उसके अंदर मैंने देखा भाई लोग भाई $5 के ऑर्डर पे ना $5-5 एक्स्ट्रा टिप और दे देते हैं। तो उससे फिर आपकी जो एवरेज है ना वो बहुत सही हो जाती है। तो कजन को अब मैं बोलता हूँ ड्राइविंग सीट पे जाके मैं बैठ रहा हूँ और जल्दी से 1.5 घंटा डिलीवरीज करके ना आपको फिर अपडेट देता हूँ कि कितने पैसे बन गए और कितनी टिप्स वगैरह आ गई। बट एक बार गाड़ी में बैठने से पहले ना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं ऊबर पे वीडियो बनाता हूँ ना, उसके बाद लोग मेरे को कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म का भी तो बता हमें, कि लॉन्ग टर्म के अंदर पूरा महीना हम पार्ट टाइम अगर ऊबर वगैरह कर रहे हैं तो कितने पैसे बन जाते हैं। तो गाइस उस तरीके की चीज ना डेली लेवल पे लाइक इन अ डेली व्लॉग मैं लेके आ रहा हूँ। मेरा दूसरा चैनल जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो बहुत ज्यादा डिमांड भी हो रही थी कि मैं डेली व्लॉग्स लेके आऊँ, तो डेली व्लॉग्स के अंदर अपने डेली ऊबर ईट्स वगैरह किया करेंगे, प्लस आपको हर दिन का खर्चा भी मैं बताऊंगा कि कनाडा के अंदर ना हर एक दिन मेरा कितना खर्चा हो रहा है। और आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि एक महीने का खर्चा कितना होता है कनाडा के अंदर। मैं आपको हर एक दिन का एडअप करके ना इस जुलाई मंथ का, जुलाई 2023 चल रहा है, आपको खर्चा बताऊंगा कि भाई इस दिन मेरे इतने पैसे लगे हैं, इस दिन मेरे इतने पैसे लगे हैं। और ऊपर से भाई आपको पता ही है समर्स के अंदर कनाडा कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, अपने घूमते फिरते भी रहते हैं, तो भाई घूमते फिरते भी रहेंगे, डिलीवरीज वगैरह भी करते रहेंगे और आपको एक्सपेंसेस के बारे में भी अपडेट देते रहेंगे दूसरे चैनल पे। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जाके आप वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। 9:30 बजे इंडियन टाइम आपको डेली उस पर वीडियोस मिला करेगी कल से। मैं कजन को बोलता हूँ कि भाई मेरे को आने दे ड्राइविंग सीट पे, जल्दी से $5-5 के या $6-6 के जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं मैं ड्राइविंग थोड़ी सही से कर लूंगा जल्दी जल्दी, तो पैसे बन जाएंगे। और उसके बाद भाई आपको जल्दी से अपडेट देता हूँ कि कितना कमाल अंदर कर लिया। कैसा लगा फिर एक्सपीरियंस गाड़ी चला के? बढ़िया था क्या? साथ में एक चीज और बताओ भाई, घर पे छोड़ दूं या साथ में डिलीवरी कर लें? नहीं मुझे घर पे छोड़ दो, खाने खुने को बना दे फिर कुछ ना, बढ़िया फिर ना डिलीवरी करके जाएंगे, बढ़िया खाने को तैयार मिलेगा कुछ ना कुछ। तो भी पसीने छूट गए और आपको पर अपडेट देता हूँ, बहुत अच्छा अपडेट है, तो फोन के अंदर दिखाता हूँ आपको मैं अभी। तो भी लगभग $75 में अंदर करके आया हूँ। और सबसे मेन चीज मैंने आपको बताया था कि मैं टिप्स दिखाऊंगा आपको लास्ट में, मैंने काम तो सिर्फ $32 का ही किया, आप नेट फेयर देख सकते हो, बट टिप्स मेरे को $41 और मिल गई, तो जिससे कि अब टोटल मेरा जो है वो $75 हो गया। तो ऑर्डर सारे मैंने इस तरीके से उठाए थे कि कोई भी $5 या $6 से नीचे नहीं था, पर डिलीवरीज मल्टीपल थी, जैसे दो दो जगह से उठाना। एक बंदे ने ना मेरे को लगभग $15 की टिप दी, तो टिप ना अपडेट जैसे 15-20 मिनट बाद होती है, जैसे ही हम डिलीवर करके चले जाते हैं ना तो कस्टमर से ना ऊबर रिव्यू लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और साथ में टिप का भी ऑप्शन देता है कि एक्स्ट्रा टिप देनी है नहीं देनी। तो पहले बंदे का तो बता ही दिया आपको इतनी टिप दी, और एक बंदे ने मेरे को लगभग $6 और बाकी एक दो टिप्स मेरे को $3-3 की भी एक्स्ट्रा आई थी। तो इसलिए कुल मिला के देखा आपने तो लगभग $25 पर घंटे की एवरेज आ गई आज जो अपनों ने कमाई करी है। तो भी आज का तो ये सिस्टम था, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बोली थी कि एक महीना आपको मैं ये पार्ट टाइम काम करके दिखाऊंगा, और जितने भी न्यू कॉमर्स है उन्हें भी ये सजेस्ट करूंगा गाइस गाड़ी गुड़ी कोई नीड नहीं है, आके आप सीधा ही साइकिल पे या फिर आप पैदल भी उबर कर सकते हो। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया भी था, मैं भी गाड़ी छोड़ के ट्रेन से टोरंटो डाउनटाउन गया था, तो बच्चे वहां पे मेरे को खूब मिले थे रस्ते में जो साइकिलों पे या फिर पैदल जा रहे थे सिर्फ डिलीवरीज वगैरह करने, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपको किसी के भी मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ता, आप अपने खर्चे लायक पैसे कमा के ले आते हो। और बाकी भाई कितनी सच है ये बात, महीने के अंदर पार्ट टाइम करके कितने पैसे बन जाते हैं और क्या खर्चा पानी चल रहा है वो अपने अब अपने दूसरे चैनल पे शेयर करेंगे डेली लेवल पे। इस चैनल पे आपको आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मिलेंगी। सो दैट्स इट गाइस, ये सारा कुछ था आज की वीडियो के अंदर। तो भाई जिन जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, इंस्पायर हो गया हो तो लिंक नीचे दे रखा है, साइन अप कर सकते हो जाके ऊबर के लिए। और अपने भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।